Hello everyone, welcome back to my vlog. This is me Jenny here again. I hope so you all are doing good and great. तो यार आज आपको मैं अपनी यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा माहौल दिखाऊंगी कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है. Because जो इस टाइम है आज हमारे यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं, वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं और बच्चे आ रहे हैं. यहाँ पे बहुत रश है और पहले ही यहाँ 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहा है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर. और अब पता नहीं आज कितने स्टूडेंट्स आए हैं और क्या सीन होना है. यहाँ पे बहुत रश है, पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए हुए हैं, एडमिशन बूथ बने हुए हैं और वो मतलब रो रहे हैं. और उस तरह मतलब पाकिस्तान वाला सब याद आ रहा है कि अगर हमारे पेरेंट्स होते तो मतलब क्या चीज़ें होती. तो यार ये है हमारी यूनिवर्सिटी का साउथ गेट और ये उसकी एंट्रेंस है सारी जो आपको नज़र आ रही है. और ये हमारी साउथ स्ट्रीट है और साउथ मार्केट है. मतलब इसे हम यही कहते हैं कि हम साउथ में साउथ स्ट्रीट और साउथ मार्केट जा रहे हैं. यहाँ रश आप देख सकते हैं कि कितना रश है और यहाँ पे इस टाइम गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ. रश सिर्फ अभी ये एक गेट के और हमारे बहुत सारे और डिफरेंट गेट्स हैं. और आप देख सकते हैं ये पुलिस वगैरह यहाँ पर सब कंट्रोल के लिए आई है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आज सिक्योरिटी वगैरह है कि क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, मैं खुद देख के हैरान हूँ कि आज क्या हुआ है जब बाहर आई हूँ. अब हम उधर जाते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं यूनिवर्सिटी का क्या सीन है. यार यहाँ से हम स्कैन करते हैं फेस और फिर ये डोर खुलता है तो हम अंदर जा सकते हैं. ये हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर साउथ कैंपस में और रश आपके सामने है. और ये यार क्योंकि बच्चे न्यू आए हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन और प्रोविंस वगैरह से आए होंगे तो यहाँ पे ये सिम कंपनीज़ वाले भी अपने अपने बूथ लगा के बैठे हैं कि जिसको जो फैसिलिटी चाहिए. यहाँ पे ये एडमिशन वगैरह चल रहे हैं और सब ये सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला ब्लॉक है. ये है जी सीन इस टाइम यहाँ पे. ये टीचिंग बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे हमारी और कुछ हमारे यहाँ पे हैं जो क्या नाम है लाइब्रेरी वो है डोमेट्रीज हैं, स्टूडेंट डोमेट्रीज हैं. ये सारी चाइनीज स्टूडेंट्स की डोमेट्रीज हैं. आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया पहले ही यहाँ 40,000 स्टूडेंट रह रहा है. यस और अब पता नहीं कितना हो रहा है तो ये तो नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो पता चलेगा. ये भी स्टूडेंट्स की डोमेट्री है, चाइनीज स्टूडेंट की है, यहाँ से आपको पता चल रहा होना है. ओके तो यार ये हमारे यूनिवर्सिटी का ही एक लोगो है और इस लोगो का मतलब ये है कि ये हमारे यूनिवर्सिटी से 3 हॉस्पिटल अफिलिएटेड हैं तो उन्होंने अपने यूनिटी के सिंबल के तौर पे ये सिंबल बनवा के हमारी यूनिवर्सिटी को गिफ्ट किया. इसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है. डिटेल जो हम व्लॉग है ना यूनिवर्सिटी का वो किसी और दिन बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी के किस पार्ट में क्या चीज़ है और कहाँ कितना कितना कुछ है. लेकिन अभी आप ये देखें जो इस टाइम यूनिवर्सिटी का मतलब हाल है, जो यूनिवर्सिटी की सिचुएशन है वो प्रोविंस की अपनी सिम होती है, अपने सिग्नल्स होते हैं तो वो अपने जिस भी सिटी से जिस भी प्रोविंस से आए उन्हें तो वो सिम अब नहीं चलेगी. अब उन्हें यहाँ रहने के लिए न्यू सिम्स मतलब लेनी है जो हमारे रीजन में चलेंगी. साइना में एक ये भी सीन होता है. अभी मैंने भी अपनी सिम लेने जाना है, फिर आपको दिखाएंगे सिम कैसे लेते हैं. सब सिचुएशन आपके सामने जो अभी यूनिवर्सिटी में हो रही है. और अभी हम आगे चलते हैं और कैंपस में और जगह पे देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. लेट्स सी. ये तो सिम वाला सिचुएशन हो गई है और ये सारा यहीं पे हम अपनी क्लास लेने आए. अंदर ये हमारी फर्स्ट टीचिंग बिल्डिंग है और इसके ऊपर डिटेल व्लॉग अभी मैं बनाऊँगी. साउथ गेट से एंट्रेंस के बाद मेन एंट्रेंस के बाद यही जगह आती है तो ये बच्चों के वेलकम के लिए उन्होंने लगाया हुआ है. और ये सारे जो आपको रेड फ्लैग्स वगैरह और ये सब नज़र आ रहे हैं ये कल आजकल में ही लगे हैं. और ये सब भी बच्चों की जो वेलकम है उसके लिए हो रहा है. वेलकम पार्टी की यार बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं. लेट सी कि उसकी डेट कब फाइनल होती है और वेलकम पार्टी कब होती है उसे भी देखेंगे हम. ओके तो ये भी आई थिंक सो सिम. हाँ ये देखिए ये चाइना टेलीकॉम. ये मतलब उन्होंने ये जो सिम वाले लोग हैं उन्होंने मतलब पेरेंट्स वगैरह के लिए वॉलंटरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे धूप से बचने के लिए और उसके लिए ये लगा दिए हैं कि यहाँ पे मज़े से बैठ के बच्चे. ओके लेट्स गो. वेलकम टू न्यू स्टूडेंट्स इन शिंगशांग मेडिकल यूनिवर्सिटी. हियर इज़ यहाँ पे यार ये न्यू जो बच्चे हैं मेरे पास उनकी वीडियो वगैरह भी बन रही है और सब हो रहा है. यार कितने मज़े से सबका वेलकम हो रहा है. अभी अभी पाकिस्तानी न्यू स्टूडेंट्स ने भी आना है जो 2023 में आएंगे और सबका बहुत अच्छे से वेलकम हो रहा है, मज़ा आ रहा है.
हमें भी मज़ा आ रहा है ये सब देख के, क्योंकि हम कोविड के बाद 3 सालों बाद मतलब बच्चों को इस तरह वेलकम होते हुए देख रहे हैं, तो उसका एक अपना ही मज़ा है। ये हमारी टीचिंग बिल्डिंग है, इधर हम क्लासेस लेने आते थे, और ये हमारी डायग्नोस्टिक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, ये अब हम साउथ कैंपस से बाहर जा रहे हैं, और साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस को कनेक्ट करने के लिए कि रोड पे बच्चों को मसला ना हो, ये हमारा एक ब्रिज है बहुत खूबसूरत सा, ये हम यूनिवर्सिटी के व्लॉग में आपको दिखाएंगे। और यहाँ से चलते हैं बाहर, और यू कैन सी कि यहाँ आज बहुत 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 रश है, इससे पहले क्योंकि हम छुट्टियों के बाद इतना रश देख रहे हैं तो बड़ा अजीब सा और बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि इतना भरा भरा शहर एक वैसे वाली फीलिंग है। ओके, यस यस यस, ये है, मुझे कह रहे हैं पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। ओके, ये हमारी यूनिवर्सिटी के पास ये एक बस स्टॉप है, यहाँ से हमने कहीं पे भी जाना हो तो बस ले सकते हैं। ओके, ये हमारा नॉर्थ कैंपस है, और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी डोमेट्री मतलब हम लोगों की डोमेट्री इस वाले कैंपस के अंदर है, वहाँ चाइनीज़ बच्चों की डोमेट्री है, ये भी यहाँ पर भी सब वो है। दिस इज़ द नॉर्थ कैंपस, या दिस इज़ द नॉर्थ कैंपस ऑफ माई यूनिवर्सिटी। ये आपको मैंने बताया था स्कैनिंग करके जाते हैं, तो ये लाइब्रेरी का बैक व्यू है, ये हमारी लाइब्रेरी का, और ये वही ब्रिज तो मैं आपको बता रही थी कि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है। यार व्लॉग बना रहे थे लेकिन ना उसके दरमियान से हमें यूनिवर्सिटी के अंदर जाना था, तो मैंने ना हमारी एक ऐप है उसके थ्रू हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और वो नेक्स्ट डे आ जाता है। मैंने ना खाने के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, अगर आई ढूंढ दे मेरे नंबर से। यस यस, ये जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था वो चिगा चिगा या हादा चेशे आई, यार ये मैंने चॉकलेट ऑर्डर की थी, अभी खोलते हैं फिर देखते हैं कैसी है। ये हमारी आई हैं मतलब इस शॉप की ओनर हैं, और मतलब सारा सामान हम जो ऑर्डर करते हैं ना वो उनकी शॉप पे आते हैं, और ये मुस्लिम है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुस्लिम है तो मतलब इनके पास हमारे सारे ऑर्डर्स आते हैं तो हम इनसे लेते हैं, और अभी चेक करते हैं। ओह माय गॉड, इट्स लाइक दैट बाय लावा चॉकलेट। यार इसके साथ स्पून नहीं है, मैं अभी जाके ठंडी ठंडी खाती हूँ। नज़र आ रही है यार, नहीं नज़र आ रही लोगों को मेरी चॉकलेट। ये हमारा प्यारा सा बाइक है, लेट्स गो। आइस चॉकलेट और बहुत ठंड है मतलब फ्रीज हुआ है में से। ओके यार, अब हम ये अपनी चॉकलेट लेने के बाद और सामान लेने के बाद हम एक पार्सल उठाने जा रहे हैं, मैंने सोचा वो भी आपको दिखाऊं। एक चीज़ छोटी सी चीज़ मैंने मंगवाई थी, और ये हमारा है पार्सल स्टेशन, यहाँ पे हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो 3 दिन बाद इधर पार्सल स्टेशन पे हमारा पार्सल आ जाता है। जैसा मैंने आपको बोला है कि आज यूनिवर्सिटी में बहुत रश लगा है, तो आप खुद देख सकते हैं मतलब ये नंबर। ओके, ये 1 2 3 ये लाइन से नंबर लगे हुए हैं, और आपका मतलब पूरा एक कोड आता है, आपको उधर से अपना मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 9 3 2 3 1, इस तरह आपको ये पार्सल्स पे लिखा होता है और आपको अपना पार्सल फाइंड आउट करना होता है। मेरा है 15 समथिंग, और पार्सल 15। ओके, मैं अपना पार्सल नंबर देख लूँ फिर आते हैं। यार मेरा पार्सल है 15 5 5 0 3 8, ये 4 है, ये 3 है, ओके ये 3, ये 4 और ये 5 वाली लाइन है, ये है 15 5 5 0 3 8। इसे अब हमें फ़ोन से ही वो जैसे वहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करना है कि हमने अपना पार्सल रिसीव कर लिया। तो यार यहाँ पे मैं रखूँगी ये, और इधर रखूँगी अपना फ़ोन, वहाँ से ये स्कैन होगा तो वो स्कैन करके आते हैं। ओके, ये मेरा गला क्या हो गया मेरे गले को, ये मैंने यार मंगवाया था कीचेन, क्योंकि मैं अपने रूम की चाबी गुम कर चुकी हूँ, और अब मैंने न्यू चाबी मंगाई है, चाबी घूमने की चाबी कीचेन से ही निकल गई है मेरी, कीचेन मेरा अब मेरा उस कीचेन में डालने को दिल नहीं था, मैंने प्यारा सा ही कीचेन मंगवाया है, इसे मेरी की डाल दें। अब आप, मैं अपने रूम की की गुम कर चुकी थी, अब हमने उसकी दोबारा की बनवाई है, दो कीज बनवाई हैं, और अब मैं अपनी की इस पर डालने लगी हूँ। यार कितना क्यूट है, प्यारा है, हाँ मुझे बहुत प्यारा लगे। ओके लेट्स गो।
ये है यार हमारा जिमनेजियम, इधर ऊपर बहुत मजे का स्विमिंग पूल भी है और इधर सारा अंदर गेम्स वगैरह खेलते हैं। गाड़ियों की लाइनें आज चेक करें, बस कोई जगह नहीं है जहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं है। यूनिवर्सिटी वाला व्लॉग बनाऊंगी उसमें देखिएगा, उसमें ना मतलब रश तो होगा, बच्चों वाला रश होगा, इस तरह वाला जी जो इतना हैजल वो ये सब हुआ है, ये वाला रश बिल्कुल नहीं होगा। कैन सी कितना गाड़ी आया हुआ है आप देखें यार कितनी गाड़ी है, कितनी गाड़ी है, और बस उधर हर जगह की पार्किंग फुल है हर जगह। अभी ये हमारी लाइब्रेरी है और इसके अंडरग्राउंड मतलब इसके अंडरग्राउंड भी पार्किंग है और वो भी फिल है, दैट्स वाई तो इसी वजह से तो यार ये बाहर इतनी पार्किंग हुई है, नहीं तो कभी भी यहाँ पार्क कभी कोई गाड़ी पार्क नहीं होती। यहाँ पे हमारा एक स्टेशन है चार्जिंग स्टेशन। यार जब से हम आए हैं ना हमारी डॉम के सामने से ये बिल्डिंग बन रही है और पता नहीं क्या बना रहे हैं लेकिन बड़ी जल्दी बन रही है। आई होप सो हमारे जाने से पहले बन जाए, हमारी डिग्री कंप्लीट होने से पहले बन जाए। और ये प्यारा सा रास्ता है हमारी डॉम की तरफ, मीन्स हमारे हॉस्टल्स की तरफ जाते हुए ये प्यारा सा एक रास्ता है। और ये टीचर यहाँ पे मतलब टीचर्स की अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं, ये सामने टीचर्स के अपार्टमेंट्स हैं और ये हमारी इंटरनेशनल डॉर्म्स हैं। यहाँ पे भी यार इतनी स्कूटियाँ हो गई हैं, बच्चे छुट्टियों से वापस आ गए हैं, पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। आप खुद देखें ये सिर्फ एक डॉर्म है, मतलब दो हैं, इसके ऑपोजिट साइड पर भी हमारी दूसरी डॉर्म है पाकिस्तानियों की और इंडिया मतलब इंटरनेशनल्स की, वहाँ पे भी इतना रश, चार्जिंग स्टेशन पे भी इतना रश और हर जगह बस यही सब। ये है हमारा डॉम। और यार मज़े की बात ये है कि ये जितने भी बाइक्स हैं ये सब ई बाइक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल वाली बाइक्स रखना अलाउ नहीं है, लाइसेंस के बगैर आप वो चला नहीं सकते, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइसेंस होता नहीं है। और इट्स ऑल्सो हमारी भी प्यारी सी बाइक ई बाइक है बेचारी ओके तो यार हम वो चॉकलेट आइसक्रीम लाइक चॉकलेट केक था, वो नीचे उसके केक था और ऊपर उसकी चॉकलेट की लेयर थी, और हम वो खाने के लिए गए, वो गर्मी की वजह से तो जल मतलब ख़राब ना हो जाए, हम वो गए थे मतलब रूम में खाने वगैरह गए खाने के लिए गए थे। और फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि अभी डॉर्म की चेकिंग भी हो रही है, मतलब हॉस्टल की चेकिंग हो रही थी, टीचर्स वगैरह आए हुए थे, रूम्स वगैरह चेक कर रहे थे, इसलिए वहीं रुकना पड़ा, लेट हो गए। फिर अब असर की नमाज़ पढ़ के हम आए हैं और अब ये का टाइम है वो बैडमिंटन खेलते हैं, तो अब हम इधर बैडमिंटन के कोर्ट में आए हैं। दो घंटे वो यहाँ बैडमिंटन वगैरह खेलेंगे और उसके बाद हम बाहर जाएंगे, एक दोस्त है उनके पास जाना उन्हें बोला है, तो लेट्स सी फिर आपको मिलेंगे किसी अच्छे से न्यू व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।